Welcome students, today we will start next chapter, chapter number 7, that is triangles. A triangle has 6 parts, 3 sides and 3 angles. This is triangle ABC. It has 3 sides, AB, BC and AC. It has 3 angles, angle A, this one, angle B and angle C. So, a triangle has 6 parts, 3 sides, 3 angles. Now come to congruency of triangles. अगर एक ट्रायंगल के 6 पार्ट्स दूसरी ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 पार्ट्स के बराबर हों तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ध्यान रखना, एक ट्रायंगल के 6 पार्ट्स दूसरी ट्रायंगल के 6 पार्ट्स के बराबर नहीं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, इफ triangle ABC is congruent to triangle PQR. Triangle ABC congruent to triangle PQR. अगर ये आपको दे रखा हो, तो इसके 6 parts के बराबर होंगे. 6 parts of this triangle will be equal to corresponding 6 parts of triangle PQR. ये 6 parts आपको 1-to-1 correspondence से check करने होते हैं. 1-to-1 correspondence. First 2 letters से बनने वाली side AB बराबर होगी PQ के. Last 2 letter BC. Last 2 letters QR. First and last AC. First and last PR. अगर ये दो triangles congruent हैं, तो साइड इस तरह से इक्वल होंगे. फर्स्ट टू लेटर वाली साइड ए बी, इधर फर्स्ट टू लेटर वाली साइड पी क्यू, लास्ट टू लेटर से बनने वाली साइड बी सी, लास्ट टू लेटर से बनने वाली साइड क्यू आर. फर्स्ट और लास्ट लेटर से बनने वाली साइड ए सी और फर्स्ट और लास्ट लेटर से बनने वाली साइड पी आर. तो ये बहुत ध्यान रखना आपको, 1-to-1 correspondence आपने इसमें चेक कर ली है. ये तो होगी साइड्स. इसके बाद आपको एंगल्स भी 1 by 1 चेक करने हैं. पहला लेटर वाला एंगल ए, एंगल बी के बराबर होगा. एंगल बी जो बीच में है, बीच वाला एंगल क्यू के बराबर होगा. लास्ट वाला एंगल सी, लास्ट वाला एंगल आर के बराबर होगा. तो जब हम कहते हैं एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके 6 पार्ट्स उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 6 पार्ट्स के बराबर होंगे. ये आपको सीरियल वाइज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस से चेक करना है. तो 6 पार्ट्स को 6 पार्ट्स से चेक करने में बहुत देर लगती है, इसलिए हम सिर्फ 3 पार्ट चेक करके ही बता सकते हैं ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं. वो एक स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर होना चाहिए. वो कंडीशंस क्या है वो अब हम स्टडी करेंगे. सिर्फ 3 पार्ट्स से ही पता लग जाएगा ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, 6 पार्ट्स हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो अब हम देखते हैं वो कंडीशंस कौन सी हैं जिसमें सिर्फ 3 पार्ट देख के आपको पता चल जाएगा ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है. फर्स्ट कंडीशन है SSS, दैट मीन साइड साइड साइड. अगर एक ट्रायंगल की 3 साइड्स दूसरी ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के इक्वल हो, तो हम कहेंगे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. हमारे को एंगल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर इसकी 3 साइड्स PQR की 3 साइड्स के बराबर हो गई कॉरेस्पॉन्डिंगली साइड्स, तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. मान लेते हैं AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, AC इज इक्वल टू PR. तो इन दिस केस 3 sides of triangle ABC are equal to corresponding 3 sides of triangle PQR. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle PQR
अंडर द कंडीशन एस 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 साइड 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 कौन सी साइड इक्वल है ए बी इक्वल्स टू पी क्यू बी सी इक्वल्स टू क्यू आर ए सी इक्वल्स टू पी आर. अब आप इसमें चेक कर सकते हैं लास्ट टू लेटर वाली साइड बी सी लास्ट टू लेटर से बनने वाली साइड क्यू आर के बराबर है. तो ये बी सी पे दो कट है क्यू आर पे दो कट है. तो सिर्फ तीन साइडों से हमारे को पता चल सकता है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं. तो दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन एस एस एस. कम टू द सेकंड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन एस ए एस दैट मींस साइड एंगल साइड्स. अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच में बनने वाला एंगल दूसरी ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स और उनके बीच में बनने वाला एंगल बराबर हो तो हम कहेंगे दो ट्रायंगल्स एस ए एस कंडीशंस के अंदर कॉन्ग्रुएंट है. इधर आप देखो दो ट्रायंगल्स का कंपेयर करो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड. पहले दो लेटर वाली साइड ए बी पहले दो लेटर वाली साइड एक्स वाई के बराबर है. ए बी पर एक कट है एक्स वाई पर एक कट है ए बी और एक्स वाई इक्वल हो गए. फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड ए सी फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड एक्स जेड के इक्वल है. इन दोनों साइडों के बीच में बनने वाला एंगल ए है जो पहले नंबर पर है और इधर पहले नंबर पर एंगल एक्स है. तो एंगल ए और एक्स बराबर हो गए. तो दो साइड्स ए बराबर है और उनसे बनने वाला एंगल ए. इधर भी जो दो साइड बराबर है और उनसे बनने वाले एंगल एक्स के बराबर है. तो इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई और कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन हो गई एस एस साइड एंगल साइड मींस दो साइड और उनके बीच वाला एंगल दूसरी ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल हो तो हम कहते हैं ट्रायंगल्स एस ए एस कंडीशन के अंदर कॉन्ग्रुएंट है. अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उनके बीच में जो साइड है वो इक्वल हो तो हम कहेंगे ट्रायंगल्स एंगल साइड एंगल कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट है. इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इधर बीच में एंगल बी है इधर क्यू है एंगल बी इक्वल्स टू क्यू. इसमें देखो लास्ट एंगल सी है इसमें लास्ट एंगल आर है एंगल सी इक्वल टू एंगल आर और बी सी इन दोनों एंगल के बीच में इन दोनों एंगल की एक साइड कॉमन बन रही है वो है बी सी और उधर है क्यू आर बी सी इक्वल्स टू क्यू आर. तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. कंडीशंस एंगल साइड एंगल. तो दिस इज द केस ऑफ एंगल साइड एंगल. और नेक्स्ट कंडीशन इज आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड. एक राइट एंगल होना चाहिए ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के इक्वल होना चाहिए बाकी बची हुई दो साइड में से कोई भी साइड अपनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होनी चाहिए तब हम कहेंगे ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अंडर आरएचएस कंडीशंस. इन दिस केस वी कैन सी इन ट्रायंगल पीक्यूआर एंड ट्रायंगल एक्सवाईजेड राइट एंगल क्यू व्हिच इज इन द मिडल इज इक्वल टू राइट एंगल वाई एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल वाई बोथ आर ऑफ 90 डिग्री. हाइपोटेन्यूज साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज पी आर फर्स्ट एंड लास्ट लेटर पी आर इक्वल टू एक्स जेड इज हाइपोटेन्यूज राइट एंगल इज देयर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज. अब एक साइड उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होनी चाहिए या तो क्यू आर वाई जेड के इक्वल हो या पी क्यू एक्स वाई के इक्वल हो. तो इस केस में हम देख रहे हैं लास्ट दो लेटर वाली साइड क्यू आर इधर लास्ट दो लेटर वाली साइड वाई जेड के इक्वल है तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड. इन दिस केस ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड अंडर द कंडीशन आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. एंगल साइड एंगल कंडीशन से एक और कंडीशन तैयार हो जाती है एंगल एंगल साइड. इसलिए मैंने इसका कोई नंबर नहीं डाला है क्योंकि ये कंडीशन वैसे ही निकली हुई कंडीशन.
कंडीशन है, बट वी कैन यूज इट, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको भी हम समझ लेते हैं, एंगल एंगल साइड। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, और ये साइड इस साइड के इक्वल हो। मान लेते हैं ट्रायंगल एबीसी इज देयर एंड ट्रायंगल पीक्यूआर इज देयर। तो हियर वी कैन सी इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, फर्स्ट एंगल ए इज इक्वल टू फर्स्ट एंगल पी, एंगल बी विच इज इन द मिडल इक्वल टू एंगल क्यू, इसमें बीच से बनने वाला एंगल बी और बीच वाला एंगल क्यू इक्वल हो गए। लास्ट दो लेट वाली साइड बी सी, लास्ट दो लेट वाली साइड क्यू आर के इक्वल है। तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू आर अंडर द कंडीशन एंगल एंगल साइड। वी कैन यूज दिस कंडीशन एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल एंड साइड। Let's start sum number 1. You have given a figure here, quadrilateral ABCD. AC equal to AD. I think AC equal to AD or AD equal to AD. Let me see. AC equal to AD. A, C is here. B is here and D is here. So there was a slight mistake in the statement. Now I have wrote it. So AC equal to AD is given. AB bisects angle A. AB bisects angle A, that means this angle 1 is equal to this angle 2. And we have to prove triangle ABC and triangle ABD as congruent. जिन दो ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, पहले आप उनके नाम लिखें। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर साइड एसी एंड साइड मेड बाय फर्स्ट एंड लास्ट लेटर एडी, इट इज गिवन। एसी इक्वल टू एडी इज गिवन। इट इज गिवन दैट एबी बाइसेक्ट्स एंगल ए। AB एंगल A को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मीन दो बराबर हिस्से करते हैं। AB साइड है वो एंगल A के दो बराबर हिस्से कर रही है, तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड द रीजन इज AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB साइड में ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी यूज हो रही है, नीचे वाले ट्रायंगल में भी यूज हो रही है। इसका मतलब AB कॉमन है, इट इज यूज्ड इन बोथ द ट्रायंगल्स। सो AB इक्वल्स टू AB। जो लेटर जो आप यहां पे साइड लिखते हैं, यहां चेक भी करें, वो वन टू वन कोरेस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो AB फर्स्ट टू लेटर से बनने वाली साइड है, इधर भी AB फर्स्ट टू लेटर से बनने वाली साइड है, AC फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड है, AD फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड है। तो ये वन टू वन कोरेस्पोंडेंस आपने जरूर चेक करनी है। इसके बिना ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आप प्रूव करोगे तो आपका सम गलत हो सकता है। तो देखो आप साइड एंगल देन साइड, तो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीडी अंडर द कंडीशन एसएस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल एंड साइड। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी? इफ दीस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, then side formed by last two letters, this side is BC and that side is BD, therefore BC equals to BD, and the reason is CPCP. CPCP means corresponding parts of congruent triangles. BC and BD are corresponding parts of the congruent triangles, therefore BC will be equal to BD. So let's do sum number 2. ABCD is a quadrilateral in which AD equals to BC. This AD equals to BC.
angle DAB, our this angle is DAB equal to CBA, CBA, this angle. And we have to prove these three parts. So let's do first part. When we have to prove these triangles congruent, so compare these two triangles. जब भी दो ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी हो तो पहले आप चेक करो, फिर उनके नाम लिखो। पहले अपने मन में ये देखो कि इन तीन इन ट्रेंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए तीन पार्ट जो चाहिए वो आपके पास है या नहीं है। अगर है तो उनके नाम लिख लो, अगर नहीं है तो पहले वो तीन पार्ट ढूंढो, पता लगाओ, फिर आप उनके नाम लिखो, फिर कंपेयर करो। तो यहाँ पे मेरे को तीन पार्ट्स दिख रहे हैं इसलिए मैंने इनके नाम लिख लिए। वो पार्ट कौन से दिख रहे हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। फर्स्ट टू लेटर वाली साइड ए बी, फर्स्ट टू लेटर वाली साइड बी, ए बी इक्वल्स टू बी ए, बी ए को आप ए बी भी लिख सकते हो। ये बी ए है, ये ए बी है, ये सेम है, दैट मीन्स कॉमन, दोनों ट्रेंगल में यूज हो रही है ए बी और बी ए। देन ट्रायंगल एबीडी का एंगल ए, ये वाला एंगल जिसको एंगल डीएबी हम कह सकते हैं, डीएबी, तो एंगल डीएबी इस ट्रायंगल का एंगल ए, दैट मींस एंगल डीएबी उस ट्रायंगल के एंगल सीबीए के बराबर है, सीबीए मतलब एंगल बी, इट वाज गिवन। इस ट्रायंगल का पहला एंगल ए इस ट्रायंगल के पहले एंगल बी के बराबर हो गया। फर्स्ट और लास्ट लेटर से बनने वाली साइड एडी, फर्स्ट और लास्ट लेटर से बनने वाली साइड बीसी के बराबर आपको दे रखा है। इट मींस बोथ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कंडीशन कौन सी लगी? साइड एंगल साइड, इस ट्रायंगल में देखें तो ये साइड, ये एंगल, ये साइड, तो कंडीशन इज साइड एंगल साइड। तो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएसी, इट इज प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। जब हम सेकंड पार्ट करें तो इसको रीराइट, वी विल हैव टू रीराइट इट, दोबारा लिखना पड़ेगा। इस ट्रायंगल के लास्ट टू लेटर से बनने वाली साइड बीडी और इस ट्रायंगल के लास्ट टू लेटर से बनने वाली साइड एसी बराबर हो जाएगी, बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सीपीसीटी मींस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एंड नाउ थर्ड पार्ट, अगेन वी हैव प्रूव्ड ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएसी, इट इज प्रूव्ड। देयरफॉर बीच वाला एंगल ये बी और ये ए, दैट मींस एंगल ए बी डी एंगल बी ए सी। ट्रायंगल के नाम वाले एंगल हैं, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी डी, एंगल का नाम ए बी डी, ट्रायंगल का नाम बी ए सी, एंगल का नाम बी ए सी। तो दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस ट्रायंगल के बीच के एंगल का नाम है ए बी डी, इस ट्रायंगल में जो बीच वाला लेटर है उसका एंगल ए, ए बी डी मीन एंगल बी, बी ए सी मीन एंगल ए। बी और ए दोनों बीच में है तो ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। तो दिस इज द वे यू विल डू सम नंबर टू। लेट्स डू सम नंबर थ्री एंड द लास्ट सम फॉर द डे। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, दिस ए डी एंड दिस बी सी आर इक्वल, ए डी और बी सी आपको इक्वल दे रखे हैं, ये परपेंडिकुलर्स हैं, मीन्स एंगल बी और एंगल ए 90 डिग्री के हो गए। Show that CD bisects AB. CD bisects AB. CD bisects AB कब प्रूव हो जाएगा? जब आप इस टुकड़े को इस टुकड़े के बराबर प्रूव कर दोगे। When you will prove BO equal to OA, then it will be proved that CD bisects AB. तो हमारा टारगेट है BO को OA के इक्वल प्रूव करना। और टारगेट इज टू प्रूव AO equals to OB. So let's start the sum. Let the two triangles as BOC. In triangle BOC,
एंड ट्रायंगल एओडी, एंगल बी एंड एंगल ए, फर्स्ट एंगल बी फर्स्ट एंगल ए, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए ईच 90 डिग्री, परपेंडिकुलर दे रखा है, इट मींस ईच 90 डिग्री। इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम एंगल 1 ले लेते हैं और इसमें 2 ले लेते हैं तो 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इस ट्रायंगल का एंगल O दैट मींस एंगल 1, इस ट्रायंगल का एंगल O, इधर बीच में एंगल है इधर बीच में एंगल है, एंगल 1 इक्वल टू 2, तो 1 टू 1 कोरेस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है। तो इधर एंगल 1 है वो बीच में आ रहा है, इधर एंगल 2 है वो बीच में आ रहा है, और 1 और 2 इक्वल है बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 इक्वल्स टू 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन फर्स्ट और लास्ट लेटर से बनने वाली साइड BC, फर्स्ट और लास्ट लेटर से बनने वाली साइड AD, ये हमारे पेपर दे रखी है, इट इज गिवन, इक्वल परपेंडिकुलर्स, दैट मींस AD इज इक्वल टू BC। तो हमारी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, कंडीशन देखिए कौन सी बनी, इट इज एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, कंडीशन इज एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फर्स्ट टू लेटर से बनने वाली साइड OB, इसको BO भी लिख सकते हो OB भी लिख सकते हो, और फर्स्ट टू लेटर से बनने वाली साइड OA के बराबर होगी, फर्स्ट टू लेटर BO और OB, AO और OA, दिस इज CPCT, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब OB और OA इक्वल प्रूव हो गई है तो हम कह सकते हैं CD ने AB के दो बराबर टुकड़े कर दिए। Now, when we have proved OB equal to OA, then we can say CD bisects AB. When OB equal to OA, therefore CD bisects AB. इसका मतलब CD ने AB को दो बराबर टुकड़ों में बांट दिया। तो यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका है। थैंक यू।